आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का। वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए। महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 62वें पृष्ठ की 19वीं पंक्ति पर 76वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके। तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी ए सुपर न्यूमररी ऑन हर स्टेज, He speaks no words or hides behind the wings. He takes birth in her world, waits on her will, divinizes her enigmatic gestures, sense. The fluctuating chance turns of her mood. Works out her meanings she seems not to know and serves her secret purpose in long time. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच पर चलने वाले नाटक के नियमों का निर्माण स्व उदित संकल्प संसिद्धि अनुरूप स्व से उद्बुद्ध सचलायमान एकम में प्रेषित कर संपूर्ण संकल्पना यह निर्माता नाटक को निर्देशित करता है। वह स्वयं को एक्स्ट्रा अतिरिक्त अभिनय पात्र के स्थान पर रखता है। वह किसी भी पात्र के अभिनय में रंगमंच पर नाटक में नहीं दिखाई पड़ता है और न ही कभी कोई संवाद कथन में ही भाग लेता। नाटक में जो भी उसकी हिस्सेदारी है वह पर्दे के पीछे नाटक के पार्श्व भाग में रहकर घटित होने वाले नाटक से तृप्त और संतुष्ट रहना ही है। स्वयं अदृश्य नाट्य गृह पार्श्व भाग में स्थित रहकर विश्व नाटक मंचन को संभव बनाते हैं। ये पर्दे के पीछे छिपे रहकर एक अक्षर भी मंचन अभिव्यक्ति में नहीं बोलते। दिव्यांश आत्मा जगत में जन्म लेकर महाप्रकृति द्वारा निर्माण किए जाकर विकसित वर्धित होते जाते हैं। यह उनकी शासन कर्त्री संकल्प इच्छा है जो समूचे ब्रह्मांड के सृजन को प्रभावित करती।
एक से भिन्नता वाले आकारों को रचती, धारण करके जीवन निर्वाह और मृत्यु तक ले जाती है। दर्शक या तमाशा देखने वाले को उसकी अनेक मुद्राएं संदिग्ध एवं अनिश्चित लगती है और बहुत सी उसकी प्रयोग संबंधी गतिविधियां अस्थिर और अनिश्चित ही लगती है, किंतु अंत में निवसित आत्मांश तो बढ़ने वाली दिशा के प्रति सदैव सचेतन ही रहते हैं और समस्त प्रकृति की गतिविधियों से लक्ष्य को सेवित होते ही लक्ष्य को सेवित करते ही जाते हैं। यद्यपि कि बाह्य सतही अभिनयकर्ता पात्रों की बुद्धिमत्ता इसके प्रति अज्ञानी ही बनी रहती है, अस्तित्व के कण कण में दिव्यांश उपस्थिति की उदित दिव्य भागवत संकल्प सिद्धि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहने में देश काल सीमा बद्धता एवं अज्ञ असत प्रकृति आवरण ओढ़े रहने पर भी कितने भी संपूर्ण प्रकृति प्रयास की मंद गति से ये शाश्वत अंश तो अचूक प्रक्रिया संपन्न कराते हुए बढ़ते ही चले जाते हैं। इस प्रकार पुरुष दिव्यांश जगत में अचित प्रकृति आवरणबद्ध देश काल सीमा स्वीकृति प्रदान करके जन्म धारण करते प्रकृति की इच्छा का पालन करते हैं। प्रकृति के समस्त रहस्यमय हाव भावों के आशय का लेखा जोखा अंकित करते रहते हैं। स्वयं दिव्य अंश स्फुरित लक्ष्य संसिद्धि के प्रकंपनों को ये महाप्रकृति ग्रहण कर उसी अनुरूप आगे बढ़ने के प्रयास में उठते गिरते आकस्मिक मोड़ों के रूपों को तथा प्रकृति की मनोदशा को सदैव ये दिव्यांश समझने की कोशिश करते, जिनको स्वयं प्रकृति भी नहीं समझ पाती उनके गूढ़ छिपे रहस्यात्मक अर्थों को ये पुरुष दिव्यांश सुसिद्ध करते हुए बढ़ते चले जाते हैं और प्रकृति की क्षमता योग्यता अनुसार स्वयं ढलकर दीर्घ काल के भीतर युगों युगों से गुजरते हुए उसके निगुप्त उद्देश्य को पूर्ण करते हुए उसकी सेवा करते चले जाते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं,
ताकि जब जब साधना के ध्रुपद पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।